हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा मास्क। अब जैसे कि आपको पता है, कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है और हम लोग मास्क पहन के ये सोच रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं। अब मास्क भी आपको पता है बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, बट क्या ये मास्क रियल है फेक है, इसका पता हम किस तरीके से लगा सकते हैं, मैं आज को आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टैप बेल आइकन बटन को ऑन कीजिए, उसे टैप कीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो जैसे कि आपको पता है, कॉटन का मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि आप उससे इतना प्रोटेक्टेड नहीं हैं और आप मेंटली भी उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, इसलिए आप भी अलर्ट रहते हैं कि हाँ, जो मास्क हमने पहना है वो हमें उससे इतना प्रोटेक्ट नहीं करेगा। रहा N95 का रियलिटी, उसकी प्राइस ही बता देती। अगर कोई आपको 50 रुपये में N95 बेच रहा है, उसका क्लियर कट यही है कि वो फेक है, वो मास्क कॉपीड है, वो रियल मास्क नहीं है, क्योंकि N95 आपको 50 रुपये में नहीं मिलेगा। बट आपने अभी देखा होगा मार्केट के अंदर ठेलों में लगे हुए हैं N95, जिसमें सिर्फ एक फ़िल्टर लगा देने से वो N95 नहीं हो सकता, ये आपको पता है। अब जैसे कि आपको पता है कि लॉट में हम बहुत से ऐसे हैं जो पैकेट में हमें 50 के 100 के पैकेट में कुछ 3-ply मास्क मिलते हैं, जैसे कि ये 3-layer मास्क है ना जो हम लोग पहनते हैं। और ये मास्क की रियलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये 3-layer है, इसका आपको शायद नहीं पता, बट ये 3-layer इस वजह से नहीं है कि आप इसको ये बोलें कि 1, 2 और 3, नहीं, ये 1, 2, 3 से 3-layer नहीं हो जाता है। इस मास्क में रियल में 3 layers होती है, हर लेयर का अपना एक नाम है और अपना एक काम है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसकी रियलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे इसका 3 layer है, आउटर, मिडिल और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो वाइट कलर में ट्रांसल्यूसेंट होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और इन मिडिल लेयर होती है वो मेल्ट वोवन लेयर होती है जो पॉलीमर की बनी होती है, और थर्ड लेयर होती है जो ब्लू कलर में होती है और ये वाटर एब्जॉर्बेंट होती है, मीन्स अपना जो मॉइस्चर जो अपन अपने मास्क की फेस की तरफ उसकी ब्लू लेयर को लगाते हैं ताकि जो अपने मुंह से मॉइस्चर स्नीजिंग के दौरान ड्रॉपलेट्स वगैरह म्यूकस सलाइवा कुछ भी ऐसा निकले तो वो सामने वाले को इन्फेक्ट ना करें। तो मोस्टली अगर आप चाहें तो ये 3-layer मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपना इन्फेक्शन सामने वाले को ना हो, इस तरीके से भी उन्हें बचा सकते हैं। अब आगे मैं आपको इसकी रियलिटी के कुछ टेस्ट बताऊंगी जो आप नॉर्मली जब शॉप पे जाते हैं ख़रीदने के लिए तो आप वहाँ पे ये चेक कर सकते हैं उसी टाइमिंग के अंदर, और आप इसे रियल फेक के अकॉर्डिंग अपना चेक करके ख़रीद सकते हैं। अब आप पैसा लगा रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप पैसा लगाएं तो कुछ रियल चीज़ पे लगाएं। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसके टेस्ट कर सकते हैं। 3-layer मास्क की ओरिजिनलिटी आप किस तरीके से देखेंगे, मैं ये आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ये देखिए 3-layer, यानी इसमें सच में 3 layers आपको दिखाई देगी। ये एक वाइट लेयर जिसे हम आउटर लेयर बोलते हैं, जो आपको वाइट कलर की दिखाई देगी और इसे ट्रांसल्यूसेंट और हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से डरने वाली, इस लेयर को ऐसा बोला जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का, ये देखेंगे कलर वेरी कर सकता है, ब्लू कलर के अंदर आपको एक लेयर दिखाई देगी, उसे कहेंगे हम इनर लेयर, इसे हम इनर लेयर बोलते हैं, और ये एब्जॉर्बेंट लेयर होती है जो अपना कफ स्नीज वगैरह होती है सलाइवा म्यूकस उनको एब्जॉर्ब करती है और ये बाहर नहीं जाने देती इस लेयर से। तो ये इनर साइड, मतलब ये हमें अपनी साइड की ओर पहनना होता है ताकि सामने वाले व्यक्ति अपनी अगर कफ म्यूकस सलाइवा और एयर ड्रॉपलेट्स हैं वो उसको ना इन्फेक्ट करे, उसके लिए पहना जाता है। अब इसे 3-layer क्यों बोला जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको इनर और आउटर लेयर बताया, वैसे ही जब आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, इससे आपको इसकी रियल और फेक के बारे में भी पता चलेगा कि ये रियल है कि फेक है। इसमें जैसे ये इनर लेयर को आप देखेंगे, विजुअली आप टेस्ट कर सकते हैं, जब आप उनसे लेंगे तो आप उनसे इस तरीके से देखिए, ये है आउटर लेयर, फिर आप देखेंगे ये है इनर लेयर,
और इन दोनों लेयर्स के बीच में आपको एक लेयर और दिखाई देगी, जिसे हम बहुत ही वोवन होती है, जैसे अपना पॉलीमर होता है, वूलन होता है, उस तरीके का दिखाई देगा आपको अंदर जब आप विजुअली टेस्ट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वन टू, ये देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है, ये वो इनकी इनर लेयर है। तो इस तरीके से ये थ्री लेयर आप विजुअली देख सकते हैं। जब भी आप मास्क खरीदने जाएं, इसे टेस्ट करिए, आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक। इसकी थ्री लेयर को चेक करने के लिए हम लोग इसे कट कर लेंगे। अगर आप किसी दुकान में लेने जा रहे हैं और आप इसका बॉक्स खरीद रहे हैं तो आप पहले ये टेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको कट करेंगे तो आपको दिखेगी इसकी थ्री लेयर्स, ये देखिए थ्री लेयर्स। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, ये इनर, ये मिडिल, ये आउटर, ये थ्री लेयर्स का होता है। जिसमें ये थ्री लेयर्स होती है वो ओरिजिनल होता है। एक टेस्ट और आप जो कर सकते हैं वो इस तरीके से है, इसमें आप इसकी जो मिडिल लेयर है, क्योंकि ये इसको मेल्ट ब्लोन लेयर बोला जाता है। अब इसे मेल्ट ब्लोन लेयर क्यों बोला जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसे मेल्ट ब्लोन लेयर क्यों बोला जाता है कि जब भी आप इसको जलाएंगे ये आग नहीं पकड़ेगा और ये इस तरीके से मेल्ट होगा, ये मेल्ट होता जाएगा, ये आपका ओरिजिनल होगा, क्योंकि ये पॉलीमर का बना हुआ है नॉन ब्लोन। तो ये एक इसका दूसरा टेस्ट है जो आप कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं, उसका टेस्ट। ये ऐसे मेल्ट होगा, आग नहीं पकड़ेगा। एक थर्ड टेस्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी टेस्ट हैं जो आप शॉप पे जब खरीदने जाएंगे तब भी आप उनके सामने कर सकते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को देख सकते हैं। अब जैसे आपको पता है ये वाइट कलर का वो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, मतलब कि पानी से ये डरती है एक तरीके से, तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। जब आप लेने जाएं, एक दो ड्रॉप इसके अंदर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी को, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पानी इधर से उधर सिर्फ रिपेल कर रहा है ना। ये देखिए ड्रॉप के अंदर, ये देखिए, ये अगर ये एब्जॉर्ब कर जाता है इट्स मीन ये फेक है, बट इसमें देखेंगे आप ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये एक ओरिजिनल थ्री लेयर मास्क है। जैसा आपने मेरे टेस्ट को देखा है आप ऐसे टेस्ट करिए इसे खरीदने से पहले। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।